लाइव तस्वीरें आपको स्पॉट की दिखा रहे हैं जहां पे ये पैसेंजर बस जो है एक हादसे का शिकार हो गई। अभी तक आपको हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर से लाइव दिखा रहे थे और अभी स्पॉट पे पहुंचे हैं जहां पे काफ़ी समय से सभी लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक प्रशासन, NDRF, आर्मी, सभी लोग यहाँ पे इस स्पॉट पे हैं और लगातार प्रयास हो रहा है कि सभी घायलों को रेस्क्यू किया जाए। अभी तक जो आंकड़ा, ये आपको लाइव तस्वीरें हम स्पॉट से दिखा रहे हैं जहाँ पे एक, और आशंका यही जताई जा रही है कि शायद अभी भी कोई व्यक्ति इस बस के नीचे दबे हो सकते हैं। टीम पूरी की पूरी लगी हुई है रेस्क्यू करने के लिए और ये आपको लाइव तस्वीरें हम इस वक्त स्पॉट की दिखा रहे हैं जहाँ पे अभी क्रेन मंगवाई गई है और जिसके कारण से ये पैसेंजर गाड़ी को भी ऊपर खींचा जाएगा, निकाला जाएगा। काफ़ी प्रयास टीम द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे NDRF हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या फिर JK पुलिस, पैसेंजर बस को भी ऊपर खींचने का प्रयास। काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को यहाँ से सेफली निकाला जाए। 58 लोग घायल हैं जिनमें से 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और सबके सब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जम्मू रेफर कर दिया गया है। 2 एम्बुलेंस यहाँ से अभी हाल ही में भेजी गई हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। ये लाइव तस्वीरें आपको स्पॉट से दिखा रहे हैं हम लोग, जो कि ये एक पैसेंजर बस है और ये कुरुक्षेत्र से चलती हुई भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जम्मू शिवखोड़ी जा रही थी। जिसमें जताया जा रहा है कि 70 से 75 लोग इस पैसेंजर बस में बैठे हुए थे। 52 सीटर ये पैसेंजर बस ओवरलोडेड, 70 से 75 लोगों से ओवरलोडेड थी। रास्ते में कसूर किसका दें, क्योंकि रास्ते में पैसेंजर टैक्स काटा जाता है। यूपी से चलती हुई ये पैसेंजर बस या तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करती हुई आई है। क्या रास्ते में इतने नाके हैं, इतने ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ओवरलोडेड गाड़ी किसी को नहीं दिखाई दी? शायद दिखाई दी होती और ये हादसे का कारण नहीं बनती, लेकिन अफसोस इस बात का है कि किसी को भी ये ओवरलोडेड पैसेंजर बस जो है वो नहीं दिखाई दी। वजह क्या हो सकती है? और आज सुबह से ही हम शाबाशी देंगे इन जवानों को जो सभी